हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राज, योर इंग्लिश मास्टर टीचर। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं आज फिर से 10 मिनट के वॉकअप शो में। स्वागत है आप सभी का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना शो। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे। तो दोस्तों, वोकेबुलरी बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि 2024 का आप लोग टारगेट अगर कर लिए हैं तो हमारा SSC CGL CHSL और MTS का कैलेंडर रिलीज हो चुका है। फ्रेंड्स, जितने भी SSC के एग्ज़ाम हैं वो सब में आपका वोकेबुलरी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 10 मिनट के 50 वर्ड्स में। उससे पहले जो लोग नए जुड़े हैं मेरे इस टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं इंग्लिश वाला राज के नाम से, और ये हमारा इंस्टाग्राम ID है, इसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप QR कोड को स्कैन करके भी सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, PDF वगैरह आपको चाहिए तो। ठीक है, तो चलिए पहला वर्ड आज का आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, जॉयफुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, जॉयफुल। और जॉयफुल का आपका मीनिंग पूछ रहा है फ्रेंड्स कि जॉयफुल का एंटोनेम क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जॉयफुल, जॉयफुल का मतलब होता है खुशी। ठीक है, जॉयफुल का मतलब हम लोग बोल सकते हैं खुश, खुशी। तो एंटोनेम पूछा है इसका, तो देखिए यहाँ पे चेयरफुल है तो ये भी इसका सिनोनेम हो जाएगा। मोर्स ये भी खुशी से रिलेटेड है, ठीक है, सिनोनेम हो जाएगा। डिलाइटेड और प्लीज्ड में आपको बताना है कि क्या होगा। तो आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है इसका फ्रेंड्स। ठीक है, मोर्स सलेंट एंड इल टेम्पर्ड। ऑप्शन नंबर 1 जॉयफुल। ठीक है, जॉयफुल क्या है, फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। डिलाइटेड क्या होता है, फीलिंग और शोविंग ग्रेट प्लेजर। चेयरफुल क्या हो जाएगा, नोटिसिएबल हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक। मोर्स हॉर्स मोर्स, ठीक है, मोर्स जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स, तो मोर्स का मतलब क्या होता है, सलेन एंड इल टेम्पर्ड, बहुत ही सलेन है और इल है, टेम्पर्ड है। ठीक है, एंड प्लेस्ड का मतलब फीलिंग और शोविंग सेटिस्फैक्शन। क्लियर है ना द फर्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के साथ आपके स्क्रीन पर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा फ्रेंड्स, बताना है आपको स्पार्स का एंटोनिम क्या होता है। उससे पहले आप लोग बता दीजिए मेरे दोस्त कि स्पार्स का मीनिंग क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर स्पार्स, तो स्पार्स का मीनिंग पहले बताइए क्या होता है। ठीक है, और इसका एंटोनिम पूछा है प्लेंटीफुल, स्कार्स और रेयर। ये तीनों क्या है, इसका सिनोनिम है। प्लेंटीफुल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है, प्रचुर मात्रा। ठीक है, और स्पार्स का मतलब होता है प्रचुर, और ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। एंटोनिम पूछा है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट, मीगर। मीगर का मतलब होता है बहुत ही अधिक मात्रा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, प्लेंटीफुल, तो स्पार्स का मतलब होता है बहुत ही अधिक मात्रा में, तो प्लेंटीफुल प्रचुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। स्पार्स थिनली डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड, मतलब बहुत ही बड़ा स्कैटर्ड होना। मीगर का मतलब होता है लैकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी। ठीक है, क्वांटिटी में बहुत ही लैकिंग होना, कम होना। प्लेंटीफुल एक्जिस्टिंग इन लार्ज अमाउंट और नंबर, प्लेंटीफुल प्रचुर मात्रा में, तो बहुत अधिक मात्ा में कह सकते हैं हम लोग। स्कार्स इनसफिशियंट फॉर द डिमांड, स्कार्स मतलब क्या होता है, जिसका डिमांड क्या हो, इनसफिशियंट, उसे हम लोग कहेंगे स्कार्स। रेयर मतलब नॉट अक्योरिंग वेरी ऑफन, रेयर मतलब बहुत ही रेयर केस में वो चीज़ का मिलना होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, एडवांस। बताना है दोस्तों आपको कि एडवांस का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले बताइए आप लोग कि एडवांस का हिंदी क्या हो जाएगा, रिट्रीट, अप्रोच, फॉरवर्ड या फिर प्रोग्रेस। देखिए, एडवांस रिट्रीट मतलब क्या होता है, फिर से रिट्रीट करना। ठीक है, एंड अप्रोच का मतलब होता है पहुँचना। फॉरवर्ड का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर फॉरवर्ड करना, एंड प्रोग्रेस का मतलब उन्नति होना। ठीक है, तो अप्रोच, फॉरवर्ड और प्रोग्रेस, ये कहीं ना कहीं ये आपस में सिनोनिम है, तो ऑप्शन नंबर ए आई थिंक हो जाएगा सही फ्रेंड्स। ठीक है, एडवांस मूव फॉरवर्ड, क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए रिट्रीट, मूव बैक और विथड्रॉ। ठीक है, तो इसका एंटोनिम पूछा है, तो रिट्रीट का मतलब कहता है मूव बैक, और एडवांस का मतलब होता है मूव फॉरवर्ड, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। क्लियर, नेक्स्ट सवाल नेटिव। तो नेटिव का मतलब बताना है आपको क्या होता है, नेटिव अलाइन, डोमेस्टिक, लोकल और इंडिजिनस। तो नेटिव का मतलब क्या होगा, नेटिव प्लेस आप लोग को पता होगा,
ठीक है, हम लोग बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार से कि योर नेटिव, वेयर इज़ योर नेटिव प्लेस, दोस्तों आपका नेटिव प्लेस कहाँ है। ठीक है, नेटिव प्लेस का मतलब जन्म स्थान। तो अलाइन का मतलब क्या होगा, अलाइन डोमेस्टिक, लोकल, लोकल का मतलब तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, लोकल एरिया। ठीक है, डोमेस्टिक मतलब हो गया अलाइन, लीगल और इंडिजीनियस। तो आइए देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है फ्रेंड्स। नेटिव बिलोंग्स टू अ पार्टिकुलर प्लेस बाय बर्थ, तो नेटिव मतलब बाय बर्थ जहाँ हम लोग का जन्म होता है। अलाइन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका, अलाइन एंटोनिम पूछा है ना, तो बिलोंगिंग ऑन अ फॉरेन कंट्री, एलियन, हम लोग इसको एलियन भी कहते हैं, जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है उसे हम लोग कहते हैं एलियन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, एंटोनिम। ठीक है, डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू वंस वन कंट्री, तो डोमेस्टिक क्या होता है, जो अपने ही कंट्री से रिलेट करता हो। लोकल मतलब रिलेटिंग टू अ पार्टिकुलर एरिया और नेबरहुड, जो आपके पड़ोसी में वहीं से रिलेट करता हो। ठीक है, एंड इंडिजीनियस का मतलब ओरिजिन एंड लिविंग नेचुरली एरिया और इन्वायरमेंट। ठीक है, क्लियर, इन नेचुरली इन एरिया एंड इन्वायरमेंट, तो वैसा जो नेचुरली एक्यूरेटली, ठीक है, इन्वायरमेंट से जो ओरिजिन करता हो उसे हम लोग इंडिजीनियस कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा फ्रेंड्स, हर्स, HARSH, हर्स का मतलब क्या होता है आपको बताना है फटाफट इसका आंसर, और आपको चाहिए एंटोनिम, ब्रूटल, सीवर, जेंटल और क्रिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ब्रूटल का मतलब होता है भंगुर, मतलब बहुत जल्दी जो टूट जाए। सीवर, सीवर का मतलब क्या होता है, जेंटल का मतलब होता है नेक, और क्रूल का मतलब क्या होता है, बहुत ही क्रूल व्यक्ति है, मतलब क्रोधित, बहुत ही क्रूल व्यक्ति है, मतलब कहने का मतलब है कि वो बिल्कुल दयालु नहीं है, क्रूल है, ठीक है, दयनीय है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आइए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि हार्स का मतलब क्या होता है, अनप्लीजेंटली रफ और जेरिंग। ठीक है, अनप्लीजेंटली रफ और जेरिंग को हम लोग कहते हैं हार्स। जेंटल का मतलब क्या होता है, जेंटल, माइल्ड इन टेम्परामेंट और बिहेवियर, जो टेम्परामेंट और बिहेवियर से जो बहुत ही माइल्ड हो उसे हम लोग कहते हैं जेंटल, मतलब नेक। तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा इसका करेक्ट। बाकी ब्रूटल का मतलब क्या होता है, सेवेजली वायलेंट, मतलब ब्रूटल का मतलब कि बहुत ही कम तरीके से जो वायलेंट हो। सीवर, वेरी ग्रेट और इंटेंस एंड क्रूल, वाइल्ड फुली काउजिंग पेन और सफरिंग। क्लियर है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है आपको बताना है। सबसे पहले देखिए कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। ठीक है फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जटिल। कॉम्प्लिकेटेड मतलब भी हो गया जटिलता, डिफ़िकल्ट मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट, और इंट्रिकेट का मतलब भी कहीं ना कहीं आपका डिफ़िकल्ट है। तो ये तीनों है आपस में सिनोनिम। ठीक है, ये तीनों के आपस में सिनोनिम, तो कॉम्प्लेक्स का ऑपोजिट हो जाएगा सिंपल, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल एंड डिफ़िकल्ट, ठीक है, सिंपल होता है कॉम्प्लिकेट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं, एंशियंट, एंशियंट का उल्टा क्या, एंशियंट का मतलब होता है क्या, पूर्वज, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा मॉडर्न, ओल्ड मतलब पूर्वज, प्रिमिटिव एंड हिस्टोरिक, ये सब सिनोनिम, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। क्लियर है, नेक्स्ट सवाल बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है, दयालु। ठीक है, तो काइंड भी इसका हो जाएगा, काइंड, काइंड भी हो जाएगा, काइंड मतलब दयालु, इसका सिनोनिम, जेनरस, कंपैशनेट एंड मैलिवोलेंट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट फ्रेंड्स। बेनिवोलेंट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मैलिवोलेंट, ठीक है, एंटोनिम। बाकी तो इसका देख लीजिए, काइंड मतलब कंसिडरेट एंड केयरिंग, बहुत ही कंसिडर और दयालु, केयर करने वाला। जेनरस, शोइंग रेडीनेस टू गिव मोर। कॉम्पैशनेट मतलब फीलिंग और शोइंग एम्पैथी, जो सहानुभूति को कॉम्पैशनेट करे। नेक्स्ट सवाल रिजिड, रिजिड का मतलब होता है कड़ा, ठीक है, स्टिफ मतलब कड़ा, सॉलिड एंड फॉर्म, ये सब आपस में सिनोनिम। ठीक है, सबका मतलब होता है कहीं ना कहीं मजबूत, कड़ा, फ्लेक्सिबल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज़ करेक्ट, सिनोनिम। नेक्स्ट सवाल ऑनर, ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्या, ऑनर, HONOR, ऑनर, प्रेस, डिसग्रेस, रिस्पेक्ट और एडमायर। एडमायर का मतलब होता है फ्रेंड्स, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना,
प्रशंसा करना, ठीक है। रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर करना, क्लियर। प्रेस, प्रेस का मतलब कहीं ना कहीं ये भी होता है प्रशंसा से रिलेटेड। डिसग्रेस, ऑनर, ऑनर का मतलब क्या हो जाएगा, प्रशंसा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डिसग्रेस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑनर का मतलब क्या होता है देख लीजिए, ऑनर का मतलब हाई रिस्पेक्ट और इस्टीम, एंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। डिसग्रेस, लॉस और रेपुटेशन एंड रिस्पेक्ट, जिसका रेपुटेशन कुछ ना हो, रिस्पेक्ट ना हो, उसे हम लोग कहते हैं डिसग्रेस, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग मूव करते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट स्लाइड था, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें फ्रेंड्स, ठीक है। SSC का कैलेंडर आ गया है, तो आप लोग सीरियसली तरीके से हमारे चैनल पर जुड़ जाएँ ताकि आपका इंग्लिश और भी अच्छे से मजबूत हो सके, ठीक है। तो वोकेबुलरी जैसा कि आप सभी को पता है बहुत ही ज़रूरी, ठीक। तो चलिए हम लोग नाइट डोज के नाम से जो हमारा शो चलता है 10 मिनट में 50 वर्ड्स, तो आज का इतना ही है, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड राधे राधे फ्रेंड्स।